अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक मीटिंग मजीद कंडक्ट होनी थी जिसमें कोविड-19 की ओवरऑल सिचुएशंस जो कल की मीटिंग में देखी गई उनके हवाले से फाइनल डिसीजन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने या मजीद क्लोज करने के हवाले से फैसला आना था। इस हवाले से बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं जिन न्यूज ने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करके रख दिया है। कोई कह रहा है कि आपकी छुट्टियों को 15 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, कोई मंथ के लिए कह रहा है और कोई 30 सितंबर तक कह रहा है। पर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कट और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बताती चलूं कि आपके जो तमाम सिटीज में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के हवाले से फाइनल फैसला लिया जा चुका है और तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो बंद किए गए थे 15 सितंबर तक, उनको 16 सितंबर से खोलने के हवाले से फैसला किया गया है। जितनी भी सोशल मीडिया पे न्यूज रिवॉल्व कर रही है उनमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तालीमी अदारे नहीं खोले जाएंगे। अलबत्ता कुछ ऐसी सिटीज हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, जिनमें आपका लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साथ साथ सरगोधा और गुजरात शामिल है। इन सिटीज में कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट थोड़ा सा हाई है, तो कमिंग डेज में ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती तो ऑब्वियसली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। बट बाकी तमाम सिटीज में आपके स्कूल्स, कॉलेजेस को रीओपन कर दिया गया है और फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स आपकी नॉर्मल रेगुलर क्लासेस होंगी विद 50% अटेंडेंस। होप सो अब आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होगी और इस हवाले से किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।